हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज शाइनी। और मैं फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप वाराणसी यानी शिव जी की नगरी काशी को 2 दिन में पूरी तरीके से घूम सकते हो। 2 दिन घूमने में एंड रहने में आपको क्या ख्याल रखना है, लाइक समर या विंटर, जिस भी सीज़न आप बनारस जा रहे हो उस हिसाब से आउटफिट चूज़ करो। मैंने ट्रैवल करी है समर में, तो कॉटन फैब्रिक ज़्यादा पहना ताकि घूमने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बनारस में गर्मी की सीज़न में जितना गर्म होता है ठंड भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है, सो क्लोथ्स बहुत ध्यान से कैरी करें। एंड मैं आगे चल के वो डिटेल में बता ही दूंगी कि मैंने क्या क्या पैक करा है, बट आई वुड सजेस्ट आप विंटर में दर्शन करो ताकि कम थके आप पूरे सिटी को आराम से एक्सप्लोर कर पाओ और बारिश भी ना मिले, ओके? और कहाँ क्या खाना ट्राई करना है, जैसे कि आपको शायद पता ही है बनारस जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पीठ है, वैसे ही वाराणसी फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, चाय, लस्सी, चाट, कचौरी एंड व्हाट नॉट। और कहाँ क्या फूड आपको ज़रूर चखना है, कहाँ स्टे करना है ताकि हर एक दर्शनीय साइट्स पे चल के या फिर ऑटो रिक्शा पकड़ के जाने में आपको आसानी हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सिटी के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी है। आपको उबेर या फिर ओला नहीं करना पड़ेगा, 10-20 या मैक्सिमम 30 रुपए में आप ई रिक्शा या फिर ऑटो से एक स्थान से दूसरे तक ट्रैवल कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है सड़कें बहुत ही पतली है, दिन जितना बढ़ता जाता है ट्रैफिक उतनी ही बढ़ती रहती है, तो सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाइए और नौका विहार का आनंद लीजिए। बनारस नाम सुनते ही जो हम लड़कियों के जहन में आता है वो क्या है, यस, बनारसी साड़ी, जिसे पहन के मैं गई थी काशी विश्वनाथ टेम्पल शिव जी के दर्शन करने। और यूपी की सारनाथ जो हाल ही में और भी ज़्यादा फेमस हुई है अशोक स्तंभ के लिए। ये दोनों जगह के दर्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 अलग वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप वो भी चेक कर सकते हो। सो हाउ टू रीच वाराणसी, हाउ टू प्लान फॉर 2 डेज, आउटफिट्स टू वेयर, स्ट्रीट फूड्स टू ट्राई एंड ऑफकोर्स मस्ट विजिट प्लेसेस इन बनारसी, ये सब देखने के लिए स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड वीडियो यूजफुल होने से वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट्स पे अपने व्यूज भी लिख के शेयर करें। एंड जिनके साथ आप बनारस जाना चाहते हो उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो नए दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो में मैं आपसे मिल सकूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देश के कहीं से भी वाराणसी पहुंचने के लिए आपको पहले आना है वाराणसी रेलवे स्टेशन या तो नज़दीकी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट तक। हम रेलवे स्टेशन से लोकल ऑटो रिक्शा लेके आप पहुंचे होटल 4 सीजन्स। ये ज्ञानवापी एरिया में ही है जहां से काशी विश्वनाथ टेम्पल, गंगा घाट, स्पेशली दशाश्वमेध घाट, दुर्गा मंदिर सब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। पहले से बुक करोगे तो 4 सीजन्स जैसे 3-स्टार होटल्स भी आपको सस्ते से सस्ता में मिल जाएंगे। तो हम होटल पहुँचे सुबह 11:30 बजे, फिर फ्रेश होके गए काशी विश्वनाथ टेम्पल 3 बजे दर्शन के लिए। मैंने स्क्रीन के ऊपर आई बटन पे ये वाली वीडियो डाल दी है, चाहो तो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आ गए आसी घाट, जहाँ सुबह सूरज उठने से पहले ही होती है गंगा आरती। बट आप जो आरती के बारे में शायद सोच रहे होंगे वो है दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती, जो हम कुछ ही देर में देखेंगे। यहाँ आसी घाट पे नौका विहार का आनंद लीजिए, जहाँ पीछे आप देख सकते हो सारे घाट्स एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। और ऐसे टोटल 87 घाट्स है यहाँ पे, जहाँ रोज़ पूजा एंड आरती होती है, क्योंकि माँ गंगा हम हिंदूज में सबसे पवित्र माना जाता है। सुबह के लिए एज एन आउटफिट मैंने एक वाइट कलर की अनारकली सूट चूज़ करी है, जो प्योर कॉटन की है। एंड इसे वाइब्रेंट बनाने के लिए मैंने ली है ये मल्टी कलर दुपट्टा और स्टाइलिंग करी है विद द ऑक्सीडाइज एक्सेसरीज लाइक चोकर, ईयर रिंग्स, नोज पिन, बैंगल्स एंड रिंग्स। और बालों को लूज बन में ऐसे टाई करी है। तो फर्स्ट डे मॉर्निंग लुक आपको कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट्स पर बताना। फिर आसी घाट से रिक्शा लेके हम पहुंच गए चाय पीने काशी कैफ़े, जो बहुत ही फेमस है, हम भी ट्राई करना चाह रहे थे।
इतनी फेमस दुकान की जाए, क्योंकि बनारस में गली गली हर जगह बहुत से टी स्टॉल्स है, बट यही दुकान क्यों? और पीने के बाद पता चला दिस टी इज रियली वर्थ टू ट्राई। इसके बाद हम आ गए ब्रेकफास्ट करने, और आज की ब्रेकफास्ट इज नथिंग लाइक माई एवरीडे ब्रेकफास्ट विद फ्रूट्स, क्योंकि बनारस के रंग में रंगना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद द फेमस कचौड़ी एंड सब्जी। 15 रुपए की दो कचौड़ी एंड सब्जी इज रियली वर्थ टू ट्राई। तो उसके बाद क्या, गर्मी तो बहुत है तो हमने मंगवाया लस्सी, और लस्सी भी इतनी थिक एंड फुल ऑफ फ्लेवर थी कि क्या बताए। और प्राइस सुन के तो आप हैरान ही रह जाओगे, इतनी बड़ी कूलर में लस्सी सिर्फ 25 रुपए, जो मैं कचौड़ी खाने के बाद पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाई, बट इट वॉज रियली डिलीशियस एंड यम्मी। और आपको ये दोनों दुकान मिल जाएंगे कहाँ, काशी कैफे से थोड़ी दूर चलने से ही। शाम को हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने के लिए। फॉर दैट ये रही मेरी शाम की आउटफिट, सुबह भी मैंने कॉटन पहना था एंड शाम को भी मैंने कॉटन ही चूज़ करी है। तो मैं अब खड़ी हूँ सिटी सेंटर यानी बनारस से, ये रही वो रास्ता जो हमें सीधी ले जाती है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एंड थोड़ी सी आगे चल के दशाश्वमेध घाट तक। हम आ पहुँचे घाट के पास, लोग आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। संध्या आरती स्टार्ट होती है 6:30 इन द समर इवनिंग, और ठंड के मौसम में स्टार्ट होती है 5:30 PM। लेकिन आपको आना है थोड़ा सा पहले अगर आप सामने से आरती देखना चाहते हो तो। अभी तैयारी चल रही है, और आप चाहो तो दशाश्वमेध घाट से भी शाम को भी नौका विहार पे जा सकते हो। बोट की साइज़ एंड लग्जरी के हिसाब से मिनिमम से मैक्सिमम अमाउंट तक अगर आप मनी स्पेंड करोगे तो गंगा मैया के गोद पे बैठ के आप शाम की आरती का आनंद ले सकते हो, जो आप कुछ ही देरों में देखोगे। एंड हमारे हाथ में 40 मिनट और है तो हम चल पड़े दशाश्वमेध घाट से बाएं ओर सारे घाट चल के देखने के लिए। बनारस आए हो तो फोटो और रील्स बनाना तो बनता ही है ना? और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। 5 या फिर 5:30 ये टाइम होती है सबसे बेहतर घाट देखने के लिए, क्योंकि सूरज ढल जाती है। गोल्डन आवर इज़ द बेस्ट टू एंजॉय द बैंक्स एंड द व्यू ऑफ द बिजी गंगा रिवर, एंड शाम तक हवा भी स्टार्ट होने लगते हैं जिससे तन और मन दोनों को सुकून मिलती है। मल्टीपल घाट्स देखते देखते हम आ पहुँचे मणिकर्णिका घाट तक, जो आपने विकी कौशल फेमस मशान मूवी में देखा होगा। 87 घाटों में से बनारस में 2 घाट्स ऐसे हैं जिसमें क्रीमेशन की जाती है, एक है मणिकर्णिका घाट एंड दूसरी है हरिश्चंद्र घाट। मणिकर्णिका घाट आप पीछे देख सकते हो, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है, और ये बोला जाता है यहाँ की आग कभी नहीं बुझती, एंड यहाँ पे क्रीमेशन होती है तो आत्मा को डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति होती है। देखिए 6:30 बजते आसमान का कलर कितने भव्य लग रहे हैं, और पुण्यार्थी की भीड़ तो आप देख ही सकते हो। एंड हर रोज़ शाम को आरती के टाइम ऐसे ही भीड़ होती है। अब आरती शुरू हो चुकी है, चलिए आगे चल के देखते हैं।
एंड आरती चलती है एक घंटे तक एंड उसके बाद स्ट्रीट फूड ये वो खाने के बाद आपका पेट पूरा भर जाएगा। सो सी यू इन द मॉर्निंग। डे टू मॉर्निंग के लिए एज एन आउटफिट मैं ये कुर्ता प्लाजो सेट पहनने वाली हूँ जिसे मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करी है। मैंने दुपट्टा को नेक के अराउंड सामने से लेके एक वेस्ट बेल्ट से इसे सिक्योर करी है और ईयरिंग्स, वॉच, हैंडबैग एंड ब्लैक मूल्स के साथ इस कुर्ता प्लाजो को ऐसे पेयर अप करी है। सो दूसरे मॉर्निंग की ये आउटफिट आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर लिख के बताएं एंड अब तक दिखाई गई तीनों आउटफिट में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी शेयर करें। आज हम बनारस की गलियों में घूमेंगे और कहाँ क्या ब्रेकफास्ट मिलता है वो देखेंगे। तो दिन का आरंभ करते हैं चाय के साथ। इसके बाद हमने ट्राई करी पूरी और सब्ज़ी। दुकान का नाम एंड फ़ोन नंबर तो आप पीछे देख ही सकते हो, चाहो तो ज़रूर ट्राई करना। एंड फिर हमने थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग भी करी। इसके बाद आता है द मैंडेट वन, दैट इज़ द बनारसी पान। बनारसी पान का नाम तो हर कोई जानता है, आपको शायद टेस्ट का पता नहीं है, बट अमिताभ जी की खाई के पान बनारस वाला ये गाना तो सुना ही है ना। तो मैं बोल दूँ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सन इज़ राइजिंग ऑन इट्स प्री और सनराइज होते ही 7:30-8 बजे तक गर्मी शुरू हो जाती है। तो आज हम ट्राई करेंगे रबड़ी वाली लस्सी और जलेबी, तो आइए देखते हैं। स्ट्रीट साइड फूड एंड द बजिंग स्ट्रीट्स, भक्तों का निष्ठा और द कल्चरल हेरिटेज, काशी विश्वनाथ टेम्पल और गंगा आरती, ऑल आर सिनोनिमस टू दिस नेम ऑफ काशी वाराणसी दैट इज रेवर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पायस प्लेसेस इन इंडिया, जो जीवन दशा में यानी वंस इन अ लाइफ टाइम आपको आना ही है। एक वीडियो में सम अप करना थोड़ा सा मुश्किल है और यहाँ की बनारसी साड़ी मार्केट तो आपने देखी ही नहीं, बट सरनाथ वाली ये वीडियो और बनारसी साड़ी मार्केट घूमना चाहते हो तो ऊपर स्क्रीन में दी गई लिंक पे अभी के अभी देख सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यस, वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे और भी वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड की बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे विद एन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय और बोलो हर हर महादेव।